This Lallan Top video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. पहली डेट पर क्या पापा ने टिप्स दी थी? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड इन्वेस्ट 200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्ते, दी लल्लन टॉप पर मैं शनाली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे ऐतिहासिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मजेदार हो गया है। पांचवें दिन का खेल खत्म होने तक भारत की टीम ने न्यूजीलैंड पर 32 रनों की बढ़त हासिल कर ली है, जबकि 8 विकेट बाकी हैं। दिन का खेल खत्म होने तक विराट कोहली 8 जबकि चेतेश्वर पुजारा 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेले जा रहे इस बड़े मुकाबले में पांचवें दिन की शुरुआत में कीवी टीम 249 रन बनाकर ऑल आउट हुई, जिससे उन्होंने भारत के ऊपर 32 रनों की बढ़त हासिल की थी। भारत की पहली पारी 217 रनों पर ही सिमट गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने पांचवें दिन शानदार गेंदबाजी की और 101 पे 2 से खेलने उतरी न्यूजीलैंड टीम को 249 रनों पर समेट दिया। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 4, ईशांत शर्मा ने 3, अश्विन ने 2 और जडेजा ने 1 विकेट चटकाया। कीवी टीम की पारी खत्म होते ही क्रिकेट के बड़े जानकार और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने एक ट्वीट करके भारत के बेहतर स्थिति में पहुंचने का समीकरण बताया। हर्षा का कहना है कि अगर भारत 80 ओवर बैटिंग कर जाता है तो फिर वो मैच में एकदम सेफ जगह पर खड़ा होगा। हर्षा भोगले ने ट्वीट कर कहा, पहले ये जान लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। शायद मैच में 125 के आसपास ओवर बाकी हैं, जिसमें भारत को कम से कम 80 ओवर बैटिंग करनी ही होगी। अगर वो इतने ओवर बैटिंग करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। बारिश की वजह से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 दिन से ज्यादा का खेल खराब हुआ है। ऐसे में आईसीसी के नियम के मुताबिक इस मैच में 23 जून यानी बुधवार को एक रिजर्व डे रखा गया है, जिसमें अधिकतम 98 ओवर फेंके जा सकते हैं। पांचवें दिन भारत की दूसरी पारी के 30 ओवर और रिजर्व डे के 98 ओवर मिलाकर 128 ओवर फेंके जा सकते हैं। इसी हिसाब से हर्षा भोगले ने ये गणित लगाया है। इंग्लैंड में 18 जून से खेले जा रहे इस मैच में पहले और चौथे दिन का खेल बारिश की वजह से पूरा धुल गया, जबकि दूसरे और तीसरे दिन भी पर्याप्त ओवर नहीं फेंके जा सके। इसी वजह से इस मैच के नतीजे के लिए ऐसे समीकरण लगाए जा रहे हैं। बट होप फॉर द बेस्ट। स्टोरी आपके लिए लिखी हमारे साथी विपिन ने। मैं हूं सोनाली, देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।